दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भरसक प्रयास के बावजूद अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाने के बाद भड़क गए जेसन रॉय। फिर महेंद्र सिंह धोनी पर अपना गुस्सा उतारते हुए उन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया जो धोनी के चाहने वालों को कतई पसंद नहीं आया है। तो आखिर ऐसा क्या कह दिया जेसन रॉय ने जिसके बाद तो भारतीय क्रिकेट ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल आ गया है। उनका पूरा बयान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी और अजिंक्य रहाणे में कौन सा चेन्नई की जीत का सबसे बड़ा हीरो, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों कोलकाता के ईडन गार्डन्स में थाला महेंद्र सिंह धोनी को देखने के लिए पीला समुंदर उमड़ पड़ा था। गढ़ कोलकाता का था, लेकिन हर तरफ केवल धोनी धोनी और चेन्नई के नारे सुनाई दे रहे थे। इस बीच महेंद्र सिंह धोनी की पलटन ने एक ऐसा चमत्कार किया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। जी हाँ दोस्तों, टॉस जीतकर चेन्नई को पहले बल्लेबाजी करने देने का फैसला कोलकाता पर भारी पड़ा और अजिंक्य रहाणे के साथ साथ शिवम दुबे की आतिशी बल्लेबाजी से चेन्नई ने 20 ओवरों में 235 रनों का एक माउंट एवरेस्ट जैसा स्कोर बना लिया। दोस्तों इतना बड़ा स्कोर देखकर ही उनके पसीने छूट गए थे। चेन्नई की जीत लगभग 90% सुनिश्चित हो चुकी थी और कोलकाता के फैंस को तो अपनी हार तब नजर आने लगी जब वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा भी सस्ते में चलते बने। लेकिन इस मुकाबले में पहली बार 2023 में उतरने वाले जेसन रॉय के इरादे तो कुछ और ही थे। वहीं सिर पर कफन बांधकर उतरे थे और उन्होंने अचानक से रनों की रफ्तार में इजाफा करते हुए धोनी के सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करनी शुरू कर दी। दोस्तों देखते ही देखते वो मुकाबले में कोलकाता की वापसी करा रहे थे। उन्होंने मात्र 26 गेंदों पर 5 भयावह छक्के और 5 चौकों की बदौलत 61 रन बना लिए थे। लेकिन तभी महेंद्र सिंह धोनी दिखाते अपना जलवा गेंदबाजी में। उन्होंने महेश तीक्ष्णा को बुलाया और इस गेंदबाज ने धोनी के भरोसे पर खरा उतरते हुए जेसन रॉय को चलता कर उनको जीत के सभी उम्मीदों को समाप्त कर दिया और अंत में चेन्नई ने 49 रनों से कोलकाता को कुचल कर रख दिया। इसके बाद दोस्तों जहां हर तरफ धोनी की तारीफ हो रही है तो जेसन रॉय ने कुछ ऐसा कह दिया जो विवादों में आ गया। आपको बता दें उन्होंने कहा है कि जिस हिसाब से हमारे पास बल्लेबाज थे लक्ष्य नामुमकिन नहीं था, हम आसानी से उसे चेस कर सकते थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने अपने गेंदबाजों को ऐसे इस्तेमाल किया कि हमारे बल्लेबाज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं कि धोनी कैसे परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लेते हैं, ये बेहद हैरतअंगेज है। आज तो मैं भी उन्हें मान गया, हमारी टीम चेन्नई से कहीं अधिक मजबूत थी, लेकिन हम इतने बुरी तरह से हारे हैं इस पर भरोसा करना भी मुश्किल हो रहा है। यहां हार पचापाना हमारे लिए नामुमकिन जैसा है। तो दोस्तों जेसन रॉय के इस बयान ने हर तरफ भूचाल ला दिया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई को 5वीं बार IPL चैंपियन बना पाएंगे या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।